हेलो भाई, स्वागत करता हूँ एक और नए वीडियो में। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो भाई, इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ इन भाई के 3 मंथ का रिजल्ट। काफ़ी अच्छा रिजल्ट है भाई, क्योंकि यार आज आप लोग को पता है यार, आज के समय में भाई बीएड सबको चाहिए। बीएड जो है भाई आज के समय में ट्रेंड में चल रहा है, हर एक भाई को बीएड तो चाहिए ही चाहिए। तो भाई इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ इन भाई के 3 मंथ का रिजल्ट, और इन्होंने कौन सा मिनोक्सिडिल यूज किया है और बीएड लाने के लिए क्या क्या किया है, सारी चीज़ें इस वीडियो में क्लियर करूँगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप भी दाढ़ी उगाना चाहते हो तो भाई आप लोगों को इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो भाई वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो भाई मैं आप लोगों को इनके दिखा रहा हूँ फर्स्ट डे का फोटो। ये आप लोग देख रहे हो, ये इनके फर्स्ट डे का पीक है। आप बीएड की कंडीशन देख सकते हो कैसी है। इधर के एरिया में आप लोगों को थोड़ा थोड़ा बीएड दिख रहा होगा, बाकी इधर एकदम खाली है। बाकी मूंछ के एरिया में भी आप लोग देख लो कितना कम बीएड है, और इधर नीचे के एरिया में भी आप लोग देख लो एकदम ही कम बीएड है, मतलब एकदम पैची बीएड है। ये इनका फर्स्ट डे का फोटो है। इधर भी आप लोग देख लो, इधर भी उतना कुछ खास अच्छा रिजल्ट नहीं है, पहले इधर भी काफ़ी ज़्यादा पैचेस है। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ इनका रिजल्ट, एक्साइटेड हो? चलो, तो भाई ये इनका है 1 मंथ का रिजल्ट। आप लोग देख लो भाई कितना अच्छा रिजल्ट है भाई, ये आप लोग देख सकते हो 1 मंथ में काफ़ी अच्छा ग्रोथ हो गया है। इधर के एरिया में आप लोग देख लो काफ़ी कम बियर्ड था फर्स्ट डे आप लोगों ने देखा, ये भाई 1 मंथ का रिजल्ट है, काफ़ी अच्छा ग्रोथ हुआ है। और काफ़ी सारे आपको बेबी हेयर्स भी दिख रहे होंगे छोटे छोटे, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। और भाई इन्होंने जो यूज किया है मिनोक्सिडिल, वो यूज किया है भाई 1 महीने तक डॉक्टर रेड्डी का मिनोक्सिडिल यूज किया है, और 2 महीने तक अभी ये किर्कलैंड का मिनोक्सिडिल यूज कर रहे हैं, और साथ में भाई इन्होंने डर्मा रोलर भी यूज किया है हफ्ते में 2 बार। तो भाई आप लोगों का बहुत सारा क्वेश्चन आता है कि भाई हम ब्रांड चेंज कर सकते हैं या फिर नहीं। तो भाई देखिए, अगर आप मिनोक्सिडिल यूज कर रहे हो और आप लोगों को उससे इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो आप लोग बिल्कुल ब्रांड चेंज कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। जैसे इन भाई ने 1 मंथ तक डॉक्टर रेड्डी का मिनोक्सिडिल यूज किया, फिर उसके बाद किर्कलैंड का मिनोक्सिडिल यूज करने लगे, उससे भी इनको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है। हालांकि भाई डॉक्टर रेड्डी से जो किर्कलैंड मिनोक्सिडिल है वो थोड़ा सा ज़्यादा महंगा आता है, मतलब 100-150 रुपये महंगा आता है। डॉक्टर रेड्डी का मिनोक्सिडिल आपको 800 के अंदर में मिल जाएगा, और किर्कलैंड का जो मिनोक्सिडिल है वो 1000 रुपये के अंदर में एक बोतल मिल जाता है 60 ml का। और भाई किर्कलैंड का मिनोक्सिडिल अगर आप 3 पैक का मतलब एक साथ में खरीदते हो तो आप लोगों को थोड़ा सा छूट भी मिल जाता है, तो आप लोग अपने बजट के हिसाब से देख सकते हो। और बाकी भाई मिनोक्सिडिल सभी बढ़िया होती हैं, सभी का रिजल्ट अच्छा होता है, हालांकि किसी किसी के मिनोक्सिडिल का जो रिजल्ट है वो थोड़ा सा स्लो होता है। तो आप लोग ब्रांड चेंज कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। बाकी भाई इधर भी आप लोग देख लो 1 मंथ में इधर का जो एरिया है, इधर भी आपको हल्के हल्के बेबी हेयर्स दिख रहे होंगे, और बाकी इधर तो भाई पूरा एकदम अच्छे से आना स्टार्ट हो चुका है। अब मैं दिखाने वाला हूँ इनके 2.5 मंथ का रिजल्ट। ये आप लोग पहले 1 मंथ का रिजल्ट अच्छे से देख लो। इधर भी आप लोग देख सकते हो काफ़ी छोटे छोटे हेयर्स आपको दिख रहे होंगे, इधर भी आप लोग देख सकते हो, और इधर का एरिया तो भाई पूरा एकदम भरना स्टार्ट हो चुका है, काफ़ी अच्छा ग्रोथ है 1 मंथ में। ये अभी जो रिजल्ट है ये डॉक्टर रेड्डी का रिजल्ट है भाई 1 मंथ का। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ 2.5 महीने का रिजल्ट, ये आप लोग देख सकते हो, ये भाई 2.5 महीने का रिजल्ट है, काफ़ी तगड़ा रिजल्ट है भाई। इधर आप लोग देख लो काफ़ी छोटे छोटे आपको बेबी हेयर्स दिख रहे होंगे, और इधर के एरिया में भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ है। बाकी नीचे के एरिया में हल्के हल्के पैचेस हैं अभी, तो अभी मैं आपको और अभी 3 मंथ का रिजल्ट दिखाऊंगा तो वो वहाँ पे डाउट क्लियर होगा। और बाकी भाई अभी कंटिन्यू करेंगे लगभग 6 से 8 महीने तक, तभी उनको और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बाकी भाई 3 महीने में काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, इधर भी आप लोग देख सकते हो, ये फर्स्ट डे का फोटो है, कितना कम बियर्ड है आप लोग देख सकते हो। अब मैं आपको 2.5 महीने का रिजल्ट दिखा रहा हूँ, ये देखो पूरा भर गया भाई, हल्के हल्के पैचेस हैं। और भाई मैं आप लोगों का एक क्वेश्चन आता है कि भाई डर्मा रोलर कैसे यूज करना है, तो भाई डर्मा रोलर आप हफ्ते में 1 या 2 बार ही यूज किया करो, डेली यूज मत किया करो, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। और भाई डर्मा रोलर का आप 4 से 5 मिनट तक अपने बियर्ड के ऊपर पूरा अच्छे से अप्लाई किया करो, और ज़्यादा प्रेशर दे के मतलब अप्लाई मत किया करो, हल्के हाथ से उसको यूज किया करो, वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। उसके बाद आप मिनोक्सिडिल यूज कर सकते हो। और भाई डर्मा रोलर यूज करने के बाद आप लोग ये गलती मत करना कि जैसे ही आप डर्मा रोलर यूज करते हो तो उसको बिना धोए आप लोग ऐसे ही रख देते हो, तो ऐसा गलती मत करना। आप लोग जब भी डर्मा रोलर को यूज किया करो तो उसको गर्म पानी में अच्छे से धो लिया करो। बाकी भाई अगर आप डर्मा रोलर को बिना धोए रख देते हो और फिर दोबारा उसी से मतलब यूज करते हो अपने बियर्ड के ऊपर, तो वो काफ़ी ज़्यादा भाई नुकसान करेगा। तो आप लोग जब भी डर्मा रोलर को यूज किया करो तो भाई उसको गर्म पानी में अच्छे से धो लिया करो, फिर उसके बाद रख दिया करो, फिर उसके बाद आप चाहो तो अगली बार उसको यूज कर सकते हो, ठीक है।
अब मैं भाई इनके दिखाने वाला हूँ 3 मंथ का रिजल्ट, काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। ये चेक करो भाई, ये इनके 3 मंथ का रिजल्ट है। आप लोग देख रहे हो बहुत ही अच्छा रिजल्ट है भाई इस एरिया में। आप लोग देख लो, वैसे ये अभी भरा नहीं है लेकिन काफ़ी सारे आपको छोटे छोटे हेयर्स दिख रहे होंगे। और बाकी इधर के एरिया में आप लोग देख लो, काफ़ी अच्छा ग्रोथ है भाई। नीचे भी आप लोग देख सकते हो, इधर का जो मैंने पैचेस आप लोगों को दिखाया था ये आप लोग देख सकते हो, ये जो हल्का हल्का पैचेस है यहाँ पर आप लोग देखो, जब ये बियर्ड बड़ा बड़ा हो रहा है तो ये हल्का हल्का भरना स्टार्ट हो गया है। अभी तो 3 मंथ ही हुआ है, अभी भाई जब 6 से 8 मंथ और कंटिन्यू करेंगे तो और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और भाई आप लोग इस एरिया में भी चेक कर सकते हो, इधर तो भाई काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। मैंने आप लोगों को एक चीज़ और क्लियर किया था कि भाई जब आप मिनोक्सिल यूज करोगे तो आप लोगों का वन साइड जो बियर्ड ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा होगा और वन साइड जो बियर्ड ग्रोथ है वो थोड़ा कम होगा। तो इस साइड आप लोग इस भाई के देख सकते हो, इधर काफ़ी अच्छा रिजल्ट है, काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ हुआ है इधर, और इधर के एरिया जो है वो तो हल्का सा कम ग्रोथ हुआ है। तो बाकी इसमें घबराने वाली बात नहीं है, ये आगे पूरा एकदम भर जाएगा। ऐसा प्रॉब्लम मुझे भी हुआ था लेकिन फिर बाद में वो सही हो गया धीरे धीरे। और भाई अभी ये 6 से 8 महीने और कंटिन्यू करेंगे तो अभी ये और अच्छा ग्रोथ होगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि भाई का रिजल्ट कैसा है और आप लोग कितने दिन से मिनोक्सिल यूज कर रहे हो और आप लोगों को रिजल्ट मिला या फिर नहीं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।